नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉल का कॉल और हमारा चैनल है प्लैनेट भोजपुरिया। जनाब, आज हम आपको अपने इस चैनल में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है भोजपुरी का असली लाल। पहचान गए? नहीं पहचाने तो मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं। तो हमारे साथ आज हैं भोजपुरी के लाल खेसारी लाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले प्लैनेट भोजपुरी के जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं। मैं आपको एक अपना दास्तान सुनाता हूं इनके बारे में, वहां क्या हुआ क्या था मेरे साथ। उसमें ये अभी नहीं बताऊंगा ये क्या बने थे। लास्ट स्टेज पे मेकअप का अवार्ड मिलना था और दो जो पार्टिसिपेंट थे वो बिल्कुल नेक टू नेक अड़े हुए थे। तो मैंने कहा ऐसा है कि मुझे आप ओरिजिनल फ़ोटो दिखाइए, तब मैं बता पाऊँगा कि एक्चुअल में मेकअप किसका अच्छा हुआ। तो मुझे फ़ोटो दिखाए गए, एक लड़की का फ़ोटो था, एक लड़के का फ़ोटो था। तो जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे उनको मैंने कहा कि जनाब आपने शायद गलती कर दिया, ये दो लड़कियाँ हैं और ये गलती से फ़ोटो एक लड़के का आ गया। मैंने कहा साहब ये लड़के का फ़ोटो नहीं आ गया, ये लड़का ही है जो लड़की बना है। मैं कह रहा भाई सबसे पहले विनर वही होगा। तो ये MS अवार्ड शो में उसको, उस जो आपके मेकअप मैन थे उनको अवार्ड मिला था सिर्फ आपके मेकअप पर, कि कोई माने मैं खुद जज होकर के नहीं पहचान पाया। मैंने कहा नहीं यार ये लड़का है, लड़का कैसे बोल रहे हो? बोला सर ये लड़का है, लड़की बना हुआ है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये 7-8 साल, हाँ 7-8 साल की पहले की घटना हो गई। तो वहाँ से जो दौर आपका है वो बिल्कुल टर्न होना शुरू हुआ। हाँ, माँ पिताजी का जो आशीर्वाद है वो काम आना शुरू हुआ। उस समय मेरी बेटी हुई, जब मेरी 2006 में शादी हुआ मेरी, 2008 में मेरी बेटी हुई, और उसके बाद में जो भी मेरी स्थितियाँ थी वो अपने आप चेंज होती गई। मैंने घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ और तकदीर पलटी। हाँ, तो उस समय सारी चीज़ें मेरी चेंज हो गई और फिर मैं एक स्टारडम जो होता है वो मुझे अब पहचानने लगे, दुनिया मुझे जानने लगे कि कौन है। मैं कहीं जाता था तो भीड़ लग जाती थी, तो मुझे लगा जे मैं इस धरती का एक हिस्सा हूँ और आज मैं कुछ तो काबिलियत मेरे अंदर है जो मुझे इतनी भीड़ आ रही है देखने की। तो एक स्टारडम का नशा मुझे कभी नहीं चढ़ा मेरे सर पर, और ना ही शायद ईश्वर करे कि कभी ना चढ़े। मेरे स्टारडम मेरे पर्दे पर दिखेगी तो शायद वो बेटर होगा मेरे करियर के लिए। तो यही चीज़ें हुई और उस कैसेट के बाद फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी सारी चीज़ें बदल गई और ये सारी चीज़ें बड़े तदार पे होने लगी। जो मुझे 5 लोग देखा करते थे वो 5 लाख में बदल गए। तो वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ और मैं लगातार 2009-10 तक दिल्ली रहा और फिर पैसे के स्रोत बढ़ने शुरू हो गए मेरे। ये एक्टिंग में कैसे एंट्री हो गई? ये सिंगिंग अच्छा वाला चला रहा था। मैं गोविंदा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनको आदर्श मानता हूँ अपने करियर में, तो उनकी डांस से देखा करता था मैं। तो सर गोविंदा जी आपके फ़ैन रहे, तो एक गोविंदा जी के स्टाइल का कोई डायलॉग हो जाए जो उसमें ऐसे वैसे नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं एट ए टाइम जब मुझे स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं उनको फॉलो करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और उनकी डांसिंग। मैंने डांस कभी नहीं सीखा और एक्टिंग कभी नहीं सीखा, मैंने कहीं नहीं सीखा। तो एक्टर सीख कर होता है तो ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन हम लोगों के अंदर जो हमारी मिट्टी की खुशबू है हमने उसी को अपना हथियार बना लिया, अपने माँ को अपना हथियार बना लिया और अपनी मिट्टी की खुशबू को हमेशा कोशिश किया जो अपनी मिट्टी की खुशबू की हुई चीज़ों को हमने जो किया है वही हमारा एक्टिंग है, वही हमारी ज़िंदगी है, और उसी को परोसना शुरू किया और लोगों को अच्छा लगा। और मुझे पहली फिल्म लेकर आलोक जी ने बनाया था, आलोक सिंह जो कि बलिया से हैं, दिनेश लाल यादव जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी लेकर उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और मेरी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी। क्या बात है। और मुझे उस समय भी मुझे नहीं लगता कि मैं स्टार हो गया हूँ, मैं एक्टर हूँ, और आज भी नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी पहली सीढ़ी थी और पहली सीढ़ी चढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और बॉम्बे शहर में भी मैं 3 दिन भूखे पेट सो गया, क्योंकि तो मैंने एक फिल्म रिलीज होने के बाद भी नहीं, फिल्म रिलीज होने अच्छा, से उससे पहले जब मैं पहली बार बॉम्बे गया था तो वहाँ पे पंगा हुई थी, मेरा पर्स वगैरह सब कुछ ख़त्म, मेरा मोबाइल वगैरह। मैं सूरत से डायरेक्ट ट्रेन से गया था। अच्छा। और ट्रेन में ही मेरे सब मुझे नशा खिला के और सारा कुछ मेरे ले लिए थे, तो मैं 3 दिन स्टेशन पर सोया था भूखे पेट। तो एक लड़का मुझे पहचाना, बोला कि भैया आप सही अरब के लिए ना गए हैं ना, खेसारी हैं ना? हम कहने कि हाँ।
फिर वो मुझे घर ले गया, खाना खिलाया, उससे 2000 रुपये लिया। और उसके बाद मैं डायरेक्ट एक विकास सिंह है हमारे भोजपुरी के, जिनको मैं बड़ा प्यार करता हूँ, मनोज भैया के, वो समझिए कि सारा काम देखते हैं, तो उनसे ही मेरा परिचय था। तो फिर उनके घर पे, तो मैं मनोज भैया के घर पे कम से कम एक महीना रहा। अच्छा। और उनके बंगलों पे एक महीने रहा। और मैंने सोचा कि जैसे मेरी इंट्री बंगलों में हुई है, तो मैं जिस दिन बॉम्बे शहर में घर खरीदूंगा तो बंगलों ही खरीदूंगा। और मैं पहली बार उनके एंडीवर पे चढ़ा था, तो मैं बोला कि मैं जब गाड़ी भी खरीदूंगा तो इनसे बड़ा खरीदूंगा। तो सोचा, तो वो सारी सपने मैंने पूरे की। अच्छा, मनोज भैया ने आपको इतना साथ दिया वहाँ पे, और वो लड़का जो आपको मिला था, तो अब अगर आपके पास कोई वैसे लोग आते हैं, आपके जान पहचान के आते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करते हैं या नहीं? बिल्कुल करता हूँ। एक्चुअली समस्या यहाँ है कि देखिए, मैं सबकी मदद तो कर नहीं पाऊँगा। बिल्कुल। और मेरे घर पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। हाँ, 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 हाँ। और करीब डेली से डेली 50 से 60 लड़के पहुँच जाते हैं कि भैया मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं कितने लोगों को रखूँगा? Planet Bhojpuri.